तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए DRDO से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। DRDO सेप्टेम्बर 9 के एग्ज़ाम हाल ही में चल रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, EE सिक्योरिटी असिस्टेंट और फायरमैन के एग्ज़ाम अभी हाल ही में चल रहे हैं दोस्तों। ये एग्ज़ाम चलने 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में। तो दोस्तों इस दौरान मुझे कई प्रकार के कमेंट आए कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, टायर टू में सिलेक्शन कैसे होगा, कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी टायर फर्स्ट में, इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही बताऊंगा आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप DRDO सेप्टेम्बर 9 का एग्ज़ाम दिया है या फिर देने जा रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर दूंगा विद प्रूफ के साथ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। यदि इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वायरल स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ पर भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे मुझे, तो इन क्वेश्चनों की यदि आप आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों यदि इसका आंसर जानना चाहते हो तो मैं ये सब आंसर दूंगा विद प्रूफ के साथ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.thewirelstudy.com विजिट करनी होगी। ये लिंक आपको YouTube के थंबनेल में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पर। आपको भी सिंपली इसी पे आना और सिंपली टाइप करना www.thewirelstudy.com, ये लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप DRDO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस साइट को ज़रूर आप एक बार विजिट करके जाएं, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी आपको अपने क्वेश्चनों से संबंधित। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के MCQ मिल जाएंगे, कंप्यूटर के MCQ मिल जाएंगे, साइंस के MCQ मिल जाएंगे, स्टैटिक GK के MCQ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और करेंट अफेयर, मंथली करेंट अफेयर के MCQ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप हिंदी ग्रामर की ट्रिकें भी सीख सकते हैं। ये साइट काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके आने वाले DRDO के एग्ज़ाम के लिए। यदि आपका एग्ज़ाम अभी होना है तो आप इस साइट को जरूर विजिट करके जाइए और इस पर फ्री ITI वैकेंसी की जानकारी भी मिलती है। तो दोस्तों इस साइट को आप 1 से 2 बार जरूर विजिट करते रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल अपन करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली पहली पोस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको DRDO का एग्ज़ाम, DRDO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपने डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो सिंपली आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा और ये देख लीजिए आप, ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों और ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इस टाइप का इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं DRDO सेप्टेम्बर 9 ANDA का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। इस पर बताऊंगा संपूर्ण जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेरा पहला ही क्वेश्चन था नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब कुछ जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगी और इनके सभी आंसर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना है और मैं जहां बता रहा हूं वहां पे आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में जिक्र है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो यहां पे आप देख लीजिए सिलेक्शन का आपको पढ़ना है और यहां पे लिखा सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंटेस्ट ऑन टायर 1 CVT। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं और यहाँ पर द स्कोर ऑफ टायर 1, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए CVT मे बी नॉर्मलाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा जब भी जो एग्ज़ाम होते हैं सेप्ट में होते हैं और दोस्तों अलग अलग डेटों में होते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मोस्टली अपनाई जाती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आने वाले समय में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम काफ़ी टफ था तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आपका एग्ज़ाम टफ था आप पे नहीं बना। हो सकता है दोस्तों वो पेपर टफ आया तो नॉर्मलाइजेशन में आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात यहाँ पे कही गई है तो आप बिल्कुल भी निष्फिक्र रहे हैं। आई होप मैंने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया होगा, पहला ही डाउट जो आपका था वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन था वहाँ पे ये था कि टायर 2 के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों आप देख लीजिए टायर 2 जो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जिसका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और कैपेबिलिटी टेस्ट जहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। टायर 1 में एग्ज़ाम पे मेरिट बनेगी और टायर 2 के लिए एक
1:12 के कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेटों का सिलेक्शन होने वाला है। टायर टू के लिए 12 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मेंशन है दोस्तों। तो एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेटों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों टायर टू में सिलेक्शन होने के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है दोस्तों। यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा जिनको ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट या कैपेबिलिटी टेस्ट में से कोई एक टेस्ट देना होगा। और दोस्तों टायर टू जो हो रहता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ये आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये दे रखा है कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन दोस्तों टायर वन में मिनिमम मार्क्स यहाँ पे यदि आप ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस बिलोंग कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 40% मार्क्स तो अनिवार्य हैं ही, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे टायर फर्स्ट, उसके बाद मेरिट बनेगी। और दोस्तों यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको 35% आपको लाना अनिवार्य रहेगा टायर फर्स्ट में, यदि आप टायर टू क्वालिफाई करना चाहते हैं। और टायर टू के लिए 1:12 के रेशियो में कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। आई होप आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे, मैंने आपके दोनों क्वेश्चनों के डाउट क्लियर कर दिए होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो था दोस्तों माइनस मार्किंग है या नहीं, एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग थी या नहीं थी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं भी माइनस मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है। तो दोस्तों माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, DRDO सेप्टेम ए एंड ए में माइनस मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है और यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का पेपर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 120 आपको मिनट मिल रहे हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ सकता है दोस्तों आपकी कट ऑफ पर। कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है दोस्तों, कट ऑफ कितना हाई जाएगा वो पोस्ट वाइज कट ऑफ के लिए दोस्तों आने वाले समय में जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा 23 तारीख की शाम तक मैं दोस्तों आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा और जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट वाइज कट ऑफ का, कि पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाले समय में आपके लिए वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों वहाँ पे फुल एनालिसिस के साथ दोस्तों कट ऑफ को पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसका कट ऑफ पे असर पड़ेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन यही था कि माइनस मार्किंग है या नहीं है, तो इसका आंसर है नहीं। जी नहीं दोस्तों, DRDO सेप्टेम्बर 9 में माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की, कि आंसर की आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों फिलहाल अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, 17 से 23 तारीख तक चलने हैं और दोस्तों 23 तारीख के बाद ही डिसाइड होगा आपकी आंसर की आएगी या नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर बता दूं, इससे पहले जो DRDO का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों उसमें अभी आंसर की रिलीज़ नहीं की गई, उसका डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि इसकी आंसर की ना आए दोस्तों, लेकिन अपन को वेट करना होगा दोस्तों 23 तारीख के बाद। दोस्तों यदि आप 26 तारीख तक का वेट करिए, हो सकता है इस डेट में आपको कोई ना कोई अपडेट मिल सकती है आंसर की संबंधित। यदि DRDO आंसर की रिलीज करता है तो आपको 26 तारीख से पहले पहले कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं कि आपके आंसर की किस डेट में रिलीज़ होगी या नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो DRDO का एग्ज़ाम हुआ था, जो बेसिकली ITI वालों के लिए निकली थी वैकेंसी, उसमें दोस्तों आंसर की रिलीज नहीं हुई, इसका भी रिजल्ट भी नहीं आया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि इसकी आंसर की आती है या नहीं आती। फिलहाल इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आंसर की का कोई जिक्र नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल ये चार क्वेश्चन थे जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, टायर टू को लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर और आंसर की को लेकर। दोस्तों तो ये चारों क्वेश्चनों के मैं आंसर दे चुका हूँ, एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका जिक्र है और जब भी अलग अलग सेप्टों में अलग अलग डेटों में एग्जाम होते हैं तो मोस्टली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिसका एग्ज़ाम टफ था उनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है कि उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं। और दोस्तों टायर टू की बात कर लें, टायर टू में सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको, एक वैकेंसी के लिए 12 कैंडिडेटों को टायर टू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है, टायर टू के लिए 12 कैंडिडेटों को सिलेक्शन होगा सिर्फ एक वैकेंसी के लिए, तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो जी हाँ दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है। इससे थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है, इसका इफेक्ट पड़ सकता है एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आंसर की आएगी या नहीं आएगी, तो दोस्तों इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आंसर की नहीं आई थी। तो आने वाले समय में देखना होगा 23 तारीख के बाद दोस्तों, 23 से 26 तक आप वेट कीजिए। इसके बीच यदि आंसर की से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी, यदि नहीं आती है तो दोस्तों मुश्किल है आपके आंसर की नहीं आएगी। इसके बाद डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट दोस्तों जनवरी से फरवरी के बीच में ही आपको देखने को मिला हुआ। दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लें, तो दोस्तों कट ऑफ के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा 23 तारीख
कि इवनिंग में दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, आप लोगों को जिन जिन लोगों का सेप्टेम का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, उन्होंने जितने अटेम्प्ट किए हैं और उनको उनके अनुसार उनके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपने किस पोस्ट से आवेदन किया था और आपने कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये सभी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में मैंसन करनी है जिससे मुझे आने वाले समय में कट ऑफ की वीडियो बनाने में आसानी हो सके। दोस्तों ये कट ऑफ की वीडियो जो आएगी 23 तारीख को दोस्तों ये रहेगी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए थैंक यू।